हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश है और आप देख रहे हैं लर्न कोड विद दुर्गेश यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रीडायरेक्शन इन जेएसपी। रीडायरेक्शन जेएसपी में क्या होता है और हम लोग जेएसपी में रीडायरेक्ट कैसे कर सकते हैं एक पेज से दूसरे पेज पे या फिर एक पेज से किसी एक्सटर्नल रिसोर्स पे, दैट मीन्स किसी दूसरी वेबसाइट पे भी कैसे हम लोग रीडायरेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ को हम बहुत अच्छे से इस वीडियो में विद प्रैक्टिकल समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी भी टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत यूज़फुल कंटेंट लाने वाले हैं। और यहाँ पे अगर आपने सर्वलेट की सीरीज़, सर्वलेट एंड जेएसपी की सीरीज़ आपने नहीं एक्सेस की है तो आप इसको एक्सेस कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड कर दिया है। इवन 36 वीडियोज़ हो गए हैं। तो आप यहाँ पर मेक श्योर आप सारी वीडियोज़ को देख लीजिए, जिससे कि आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर हो जाएं और आप प्रोजेक्ट को बना पाओ, क्योंकि प्रोजेक्ट जब बनाओगे तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत होगी। अब हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं रीडायरेक्शन होता क्या है और उसके बाद हम लोग समझते हैं फ्रेंड्स कि रीडायरेक्शंस जावा में या जेएसपी में कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो रीडायरेक्शन समझने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, लेट अस सपोज हमारे पास एक वेबसाइट है जिसके अंदर तीन पेजेस हैं, पेज वन, पेज टू और पेज थ्री। और हम लोग इनकी लेबलिंग भी करते हैं जिससे हमें क्लियरली पता चले। सपोज़ हमारे पास पेज वन डॉट जे एस पी है एंड सेकेंड वन पेज टू डॉट जे एस पी है एंड थर्ड वन पेज थ्री डॉट जे एस पी है, पेज थ्री डॉट जे एस पी है। और हम लोग सपोज़ यूज़र ने क्या किया, सपोज़ यूज़र ने ओपन किया पेज वन डॉट जे एस पी, और जैसे पेज वन डॉट जे एस पी ओपन करेगा, पेज वन के अंदर जो भी लिखा होगा वो सारी चीज़ें दिख जाएंगी, किसे, यूज़र को दिख जाएंगी। यूज़र क्योंकि जब पेज वन ओपन करेगा तो उसको सारी चीज़ें पेज वन की यहाँ पे जो भी लिखा होगा दिख जाएगा। लेट अस सपोज यहाँ पे एक लिंक दी गई थी पेज टू की, पेज टू पी टू की लिंक दी गई थी और यूज़र ने पी टू पे क्लिक किया। जैसे ही पी टू पे क्लिक किया, दैट मीन्स यूज़र ने मैनुअली पी टू पे क्लिक किया, और मैनुअली अगर पी टू पे क्लिक किया है इस पी टू पे, दैट मीन्स वो जाना चाहता है पेज टू पे, तो जैसे ही उसने क्लिक किया सिंपली वो पेज टू पे चला जाएगा और यहाँ का कंटेंट चल जाएगा, यहाँ जो भी लिखा होगा वो कंटेंट चल जाएगा। किस पेज पे जो भी लिखा होगा चल जाएगा, पेज टू की मैं बात कर रहा हूँ, इस पेज पे जो भी लिखा होगा वो सारा कंटेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब क्योंकि इंटेंशनली क्या हुआ, क्या है, पी टू क्लिक किया गया है यूज़र ने, अगर यहाँ पे यूज़र होगा तो इस यूज़र ने पी टू पे क्लिक किया है, दैट मीन्स वो पेज टू पे गया है, पेज टू का कंटेंट वो चाहता है। बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ऐसा कोड कर देंगे यहाँ पे, जिससे कि क्योंकि यूज़र ने तो क्लिक किया है पेज टू, दैट मीन्स वो पेज टू पे जाना चाह रहा है, बट हमारी कोडिंग यहाँ पे ऐसी होगी जावा की कि जैसे ही पेज टू लोड होगा, ये एग्जीक्यूशन जैसे ही होगा अपने आप से ये ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा किस पे, पेज थ्री पे। दैट मीन्स अब कंटेंट सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, कौन सा, पेज थ्री का। और ये जो हुआ है ये ऑटोमेटिक रीडायरेक्शन हुआ है, ऑटोमेटिक रीडायरेक्शन हुआ है यहाँ पे। दैट मीन्स आपने रीडायरेक्ट कर दिया था यहाँ पे दूसरे पेज पे, तो बंदा इंटेंशनली ओपन कर रहा है पेज टू को, बट आपने पेज टू पे रीडायरेक्शन वाली सारी कोडिंग लिख दी है जिससे ओपन हो रहा है क्या, पेज थ्री। सिंपली मतलब एक पेज से वो जा रहा है दूसरे पेज पे, बट आप यहाँ से किसी दूसरे पेज पे ले जा रहे हैं इस कोड की हेल्प से जो यहाँ पे कोडिंग लिखी गई है। अब बात करते हैं, ये तो इंटरनल रिडायरेक्शन हो गया, दैट मीन्स पेज अपनी वेबसाइट के अंदर ही हुआ है। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे आप ऐसी कोडिंग कर सकते हो जिससे कि ये गूगल ओपन कर दे रिडायरेक्शन की हेल्प से। तो बंदा क्लिक क्या करेगा, क्लिक यहाँ से पी टू को एक्सेस करने के लिए, पेज टू को एक्सेस करने के लिए क्लिक करेगा, बट आप यहाँ से ओपन क्या कर सकते हो, गूगल ओपन कर सकते हो। दैट मीन्स आप अपने वेबसाइट, अपने पेज से, अपने वेबसाइट के अंदर से रीडायरेक्ट करके किस पे ले जा सकते हो, गूगल पे भी ले जा सकते हो। तो ये होता है बेसिकली रिडायरेक्शन, दैट मीन्स ऑटोमेटिक एक पेज से किसी दूसरे पेज पे जाना आपके कोड के थ्रू, ना कि यूज़र क्लिक करे, यूज़र तो मैनुअली ओपन ही कर लेगा, बट कोड के थ्रू, इसी को हम लोग रिडायरेक्शन बोलते हैं। अब हम लोग ये सारा कॉन्सेप्ट समझते हैं और देखते हैं कि जावा में इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, कौन कौन से ऐसे टेक्निक हैं या मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम लोग क्या कर पाएंगे, रिडायरेक्शन इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो हम लोग यही एग्जाम्पल लेते हैं और हम ओपन कर लेते हैं नेटबीन्स, और यहाँ पर हम लोग बनाएंगे तीन पेज। तो बनाते हैं हम लोग पेजेस पर चलेंगे, हम लोग वेब पेजेस पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे चलेंगे और जेएसपी पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे आएंगे पेज वन, सिंपली पेज वन हो गया, राइट क्लिक करेंगे न्यू जेएसपी पेज टू, पेज टू, और हम लोग राइट क्लिक करेंगे वेब पेजेस पे, न्यू पे जाएंगे एंड सिंपली पेज थ्री, पेज थ्री।
अब तीन पेजेस हैं और हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे कोडिंग कर देते हैं पेज वन पेज टू पेज थ्री पे, जिससे कि हम पेजेस को फ्रेंड्स यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो पेज वन पे चलेंगे और जहाँ पे एच वन लिखा है वहाँ पे हम लिख देंगे दिस इज पेज वन, और सिंपली पेज टू पे भी चलेंगे और यहाँ पे लिख देंगे दिस इज पेज टू, दिस इज पेज टू। एंड थ्री पे भी चलेंगे हम लोग और यहाँ पे भी लिख देंगे क्या दिस इज, तो कैपिटल डी लिख दें, पहले इसको हटा देते हैं सारी चीज़ और एंटर आते हैं। एच वन भी हट गया तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एच वन तो कंप्लीट कर लेते हैं और हम लिख देंगे दिस इज पेज थ्री। दैट मीन्स हमारे पास तीनों पेजेस हैं। अगर आपको एक बार एग्जीक्यूट करना है तो आप एड मॉड्यूल पे क्लिक करिए, प्रोजेक्ट पे रन पे कर दीजिए और फिर जब प्रोजेक्ट रन हो जाएगा तो यहाँ पे प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सकते, पेजेस को एक्सेस कर सकते हो। अगर आप पेज वन डॉट जे एस पी चलाओगे तो दिस इज पेज वन, अगर पेज टू चलाओगे देन दिस इज पेज टू, आपका सिंपली आउटपुट आ जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे नंबर कर दिया था, तो आप पेज वन पे भी क्या कर दीजिए, सिंपली दिस इज पेज वन कर दीजिए। अब हम चाहते हैं कि जब बंदा पेज वन ओपन करेगा, दैट मीन्स ये ओपन करेगा, ओपन करेगा, यहाँ पे पेज टू पे जाने के लिए एक लिंक हो, आप इसको क्लिक कर दीजिए। तो लिंक बनाने के लिए हम लोग पेज वन पे सिंपली लिखेंगे ए और यहाँ लिख देंगे गो टू पेज टू, और लिंक को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग लगाएंगे एच रेफ और यहाँ पे हम लोग अपने पेज का रेफरेंस दे देंगे पेज टू पे। तो सिंपली पेज वन पे देखिए यहाँ पे एक लिंक आ जाएगी गो टू पेज टू, जैसे ही इस पर क्लिक करोगे सिंपली पेज टू अपने आप ओपन हो जाएगा। देखिए पेज टू ओपन हो रहा है, ये पेज टू। अगर आप पेज टू को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसकी पेज टू की जो बैक, पेज टू का जो बैकग्राउंड है वो आप कुछ और कर दीजिए, बैकग्राउंड रेड कर दिए पेज टू का, तो सिंपली पेज टू का बैकग्राउंड रेड हो जाएगा। तो पेज टू पे जैसे आओगे यहाँ पे पेज टू ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली समझेंगे कि रिडायरेक्शन कैसे हो रहा है। दैट मीन्स हम इस लिंक पे क्लिक करके, इस वाली लिंक पे क्लिक करके पेज टू पे ओपन कर रहे हैं, बट हमें पेज टू नहीं ओपन करना है। हम चाहते हैं कि जैसे यूज़र पेज टू पे क्लिक करे, इस पेज टू पे आने के बाद वो पेज थ्री पे चला जाए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, पेज टू पे आएंगे और पेज टू का कंटेंट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लगाएंगे जावा का कोड और हम लिखेंगे रीडायरेक्शन का कोड। देखिए रीडायरेक्शन का कोड, तो हम लोग पहले यहाँ पे रीड डायरेक्शन लिख के मैं कमेंट कर दूंगा, जिससे कि आपको समझ में आए कोड रीडायरेक्शन का कोड क्या है और उसको कैसे रीडायरेक्ट। तो सिंपली मैं यूज़ करूँगा रेस्पॉन्स, और रेस्पॉन्स होगा एचटीटीपी सर्वर रेस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट और डॉट लगाऊंगा। जैसे डॉट लगाऊंगा और कंट्रोल स्पेस अगर दबाता हूं, तो आपको बहुत सारे रेस्पॉन्स के मैथड्स यहां पे मिल जाएंगे काम करने के लिए। देखिए तो हमारे पास रेस्पॉन्स के मैथड्स हैं और उनमें से एक सबसे यूजफुल मैथड है सेंड रीडायरेक्ट। जैसे ही आप रीडायरेक्ट दोगे, इसके अंदर आप लोकेशन दे सकते हो कि कहाँ पे मुझे रीडायरेक्शन करना है, किस पेज पे ले जाना है। तो यहाँ लिख देंगे पेज थ्री डॉट जे एस पी। दैट मीन्स ये कोड क्या करेगा, आपका पूरा पूरा कंट्रोल पेज थ्री पे ले जाएगा जैसे ये पेज एग्जीक्यूट होगा। अब आइए और आप पेज वन पे चलिए और आप पेज देखिए इस लिंक पे क्लिक कर दीजिए। इस लिंक पे क्लिक करने का मतलब क्या है, इस लिंक पे क्लिक करने का मतलब है कि आपको पेज टू पे जाना है। जैसे ही आप पेज टू पे गए, देखिए ओपन क्या हुआ, पेज थ्री, लेकिन आपने तो ओपन किया था क्या पेज टू। तो फ्रेंड्स हुआ क्या है कि आपने यहाँ जैसे ही क्लिक किया पेज टू के लिए, पेज टू का सारा कंटेंट चला होगा, ये सारी चीज़ चली होगी और यहाँ से रिडायरेक्ट हुआ। पे हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हम लोग जब पेज टू पे क्लिक कर रहे हैं तो ये रिडायरेक्ट हो जा रहा है किस पे, पेज थ्री पे। अगर आप चाहते हो रिडायरेक्ट पेज थ्री पे ना हो, किसी एक्सटर्नल रिसोर्स पे हो, तो वो चीज़ भी हम कर देते हैं। हम सिंपली लिखेंगे रेस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट, और रिडायरेक्ट में हम लोग लिंक दे देंगे उस एक्सटर्नल रिसोर्स का। सपोज़ हम टेक्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे https://www.texofindia.co.in और सेव कर देंगे। उसके बाद जैसे ही हम देखें सिंपली पेज टू पे इस लिंक पे क्लिक करेंगे, पेज टू चलेगा और पेज टू कहाँ रिडायरेक्ट कर देगा, देखिए अपने आप से टेक्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट ओपन हो गई। दैट मीन्स हम पेज टू पे जा रहे हैं और पेज टू से हमारा कौन सा कोड चल रहा है फ्रेंड्स, ये वाला कोड चल रहा है, वो रिडायरेक्ट कर देगा कहाँ पे, दूसरी वेबसाइट पे। इसी तरह हम अगर यहाँ पे कोई और वेबसाइट कर दें तो कोई और वेबसाइट ओपन हो जाएगी, तो इस ओपन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग ने सीखा कि रीडायरेक्शन क्या होता है और जेएसपी में कैसे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। जेएसपी में हम किसी पेज पे भी रीडायरेक्शन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सेंड रीडायरेक्ट मेथड ऑफ एचटीटीपी सर्वर रेस्पॉन्स। तो अगर आपको
वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।